हेलो स्टूडेंट, दिस इज माय यूट्यूब चैनल एजू बायो। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डील करेंगे व्हाट इज इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत से टर्म्स आते हैं, जैसे क्या हो गया, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, व्हाट इज इंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोन्स क्या होते हैं, इंडोक्राइन क्या है, पैराक्राइन क्या है, ऑटोक्राइन क्या है एंड क्रिप्टोक्राइन क्या है। और उसके साथ साथ हम इस लेक्चर में देखेंगे क्या इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में क्या रिलेशन है। ओके, तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर में डील करेंगे। तो पहली बात आती है इंडोक्राइन ग्लैंड की। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट मैसेंजर मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करते हैं, जो इनका सिक्रीशन होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देते हैं। बात आती है इंडोक्राइनोलॉजी की, तो इंडोक्राइनोलॉजी क्या है? इंडोक्राइनोलॉजी द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन। जो ग्लैंड्स होती है उनकी स्टडी और उनके सिक्रीशन की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन की जब भी हम बात करते हैं तो हार्मोन द बायो एक्टिव मैसेंजर, ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं सिक्रीटेड बाई एन इंडोक्राइन ग्लैंड इन टू द ब्लड, ब्लड में सिक्रीट होते हैं। ओके, फिर इंडोक्राइन की बात आती है। इंडोक्राइन क्या होता है? रिलेट टू हार्मोन एक्शन ऑन द सेल एट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। इंडोक्राइन की अगर हम बात करें, ये टाइप ऑफ सिग्नलिंग है, कौन कौन सी तरह की सिग्नलिंग होती है, तो इसमें क्या डिस्टेंस, क्या मतलब एक जगह से जहाँ से सिक्रीट हो रहा है सिक्रीशन किसी भी ग्लैंड से, और उसको उसका जो वर्क है वो कहीं दूर पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ठीक, उसको उसने सिक्रीट किया और वह ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहाँ जाएगा, सोर्स में जाएगा और वहाँ पर वो अपना वर्क करेगा, अपना फंक्शन करेगा, जो फंक्शन एरिया होगा उस पर फंक्शन करेगा। दूसरी बात आती है पैराक्राइन की। बात पैराक्राइन रिलेट टू हार्मोन्स एक्शन ऑन द नियर बाई टारगेट सेल। जो पड़ोसी सेल होती है, जो नियर बाई सेल होती है, ये उस पर वर्क करता है विद इन इमिडिएट एरिया अराउंड द सोर्स। मतलब एक इमिडिएट एरिया होना चाहिए, जो नियर बाई सेल होती है, पड़ोसी सेल होती है, उस पर क्या करता है, सिक्रीशन वर्क करता है जाके। ऑटोक्राइन की बात आती है, रिलेट टू हार्मोन हैविंग एन इफेक्ट ऑन इट्स ओन इमीडिएट सोर्स। मतलब जिस सेल से सिक्रीट होगी उसी सेल पे इसका क्या, ये अपना वर्क करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोक्राइन कहते हैं। ठीक, ये नया टर्म है क्रिप्टोक्राइन। क्रिप्टोक्राइन की अगर हम बात करें, द ए टर्म डिवाइस टू इंडिकेट दैट अ हार्मोन कैन हैव एन इफेक्ट विद इट्स ओन सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फिर बात आती है इंडोक्राइन सिस्टम की। इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, रिलीज ऑफ केमिकल हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं, ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें, रिलीज ऑफ केमिकल, या हमें इन्हें कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे गाबा हो गया, बहुत से केमिकल, एस्टाइल कोलाइन हो गया, बहुत से केमिकल ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इफेक्ट कैन बी ऑन मैनी टारगेट सेल्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। इनका इफेक्ट कहाँ होगा, ये एक जगह से सिक्रीट होंगे और इनका जो फंक्शन एरिया होगा वो स्प्रेड होगा, एक का कहीं वर्क होगा, एक का कहीं वर्क होगा, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनका वर्क। नर्वस सिस्टम की बात करें, इफेक्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दो टारगेट सेल एक्चुअली इनर्वेटेड। ये क्या करेंगे, ये जहाँ जिसके लिए सिक्रीट करेंगे होंगे उसी फंक्शन एरिया पे जाके वर्क करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या आता है, इफेक्ट विल टेक्स प्लेस ओवर अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम स्पैनिंग फ्रॉम अ सेकेंड टू डेज। अब ये क्या करेगा, ये हार्मोन सिक्रीट हुआ तो ये सेकेंड भी लगा सकता है, मिनट भी लगा सकता है, फंक्शन एरिया पे अपना वर्क करने के में जो टाइम लगता है उसमें सेकेंड भी लग सकता है, मिनट भी लग सकता है और डेज भी लग सकते हैं। तो ये हो गया इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और नर्वस सिस्टम की बात करें, इफेक्ट विल बी जनरेटेड विद इन मिली सेकेंड। ये क्या करता है, इसका जो होता है, जो फंक्शन होता है बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, बहुत जल्दी वर्क करता है, जैसे हमारे हाथों